JSR Film presents. किंग एडमिन हूँ। इधर बड़ा किंग है। चुप हो जा। इधर बड़ा किंग है। पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब सब मैं ही चलाता हूँ। एडमिन भाई। हाँ। मुझे अबू बने का कोई दुख नहीं है। अबू बने का कोई दुख नहीं है। मुझे तो एक दुख है। किस बात का? मुझे एक बात का दुख है एडमिन भाई। हाँ। मेरा अब्बू हाँ। मेरा अब्बू जर्मन शेफर्ड, जहाँ जर्मन शेफर्ड मिलते हैं नहीं हाँ। जर्मन शेफर्ड था घड़ी ला उधर गोल मार देगा भाई। सेफ चिल्ली, चिंता ना कर, इसे वर्ल्ड फेमस इंटरनेट किंग एडमिन ही एडमिन बांध देगा। तेरे अब्बू की आत्मा को बहुत सारी शांति मिलेगी। वर्ल्ड फेमस एडमिन बांध रहा एडमिन बांध ले तो भैया। अब क्या बात हुई? अब बात ये है एडमिन भाई, हाँ। मेरा अबू घोड़े का बच्चा लाया, बहुत अच्छा, उस घोड़े पे घोड़े चढ़ेगा भाई। उस घोड़े के बच्चे को माल खिला पिला के वर्ल्ड फेमस इंटरनेट किंग एडमिन ही सवारी करेगा उस पे भी, वो भी वर्ल्ड फेमस हो जाएगी। अब क्या आफत आई? हाँ। मेरा अबू सतर मुख लाया था, अब उसके लाखों के अंडे कौन खाएगा? भाई तू चिंता ना कर, हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं, शतुरमुर्ग का अंडा भी हम ही खाएंगे। एडमिन अब क्या मुसीबत आई? अब बात बहुत बड़ी है, बता दे रुकसाना, जो बात बड़ी है अब तू ही बता उसे पहले। सारी तो ये एडमिन भाई जान हमारी, अब बुलाए से 16 साल की को भी आके एक दिन भी ना रहे, अब क्या करेगी ये? बे उस 16 साल की बेगम को भी हम ही रखेंगे। ले भाई हो गया ना, सिया भी गए बच्चे, चल ठीक है, पता नहीं ठीक होगा। शेख चिल्ली को हम भी इस गांव के जिम्मेदार आदमी है, कुछ फर्ज हमारा भी बनता है भाई, कुछ चीज लेने का। अब तू ठीक कह रहे, हाँ हाँ ठीक है प्रधान जी, हम भी जानते हैं आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ठीक खान, आज हम तुमसे बहुत खुश हैं। आज तुमने वो कर दिखाया जो हम परसों से नहीं कर सके। आगे क्या काम है जनाबे आली? बख्तावर खान, हमारे पास जितने भी मूर्ख इकट्ठे हुए हैं, इनकी नसों में हिंदुस्तान के खिलाफ बारूद भर दो। हम हिंदुस्तान की बर्बादी देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान की बर्बादी यानी कि हमारे घर में लड़ाई? बख्तावर खान, इन तमाम हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान की वर्दी पहना दो और इन्हें ट्रेनिंग दो हमारे मिशन की। वर्दी यानी शेख चिल्ली का पैंट? कभी नहीं। बंद कर दो इस हिंदुस्तानी कीड़े को, और जब तक मत खोलना जब तक ये हमारे मिशन को कबूल न कर ले। हुकुम सर। उसे बंद कर दिया है, आगे हुक्म बोलो। बंद कर दिया उसे? हाँ हुजूर। लाओ वर्दी। जाओ उसे वर्दी पहनाओ, चाहे प्यार से पहनाओ या डरा के पहनाओ, जाओ। ले भाई से चिल्ली, ये तेरे नाप की वर्दी है, देख कितनी अच्छी है। पहली बार साली में आग लगा देते, कच्चे भी।
हिंदुस्तान की वर्दी है, इसे पहन ले। तुझे पता तूने कितना बड़ा गुनाह किया? हिंदुस्तान की वर्दी उगाली दे गया। हिंदुस्तान की रंग की वर्दी तो है मगर उसमें हिंदुस्तान की वफादारी की खुशबू नहीं है। मैं बिल्कुल पहनने वाला नहीं हूँ, पता ना कच्चे भी ठीक हूँ। अगर तुम हिंदुस्तान को इतना मानते हो तो तुम्हें हिंदुस्तान की कसम, अगर वर्दी ना पहनी तो ठीक है, मैं पहनूंगा। पहनूंगा तो भाव पहन लेना। मैं पहन लूंगा नहीं ना। बेटा हिंदुस्तान के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ, मगर ये वर्दी हिंदुस्तान की है, सारी भी पहनूंगी। दफा कर सारी कर। आज से तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई। क्या तुम जानते हो अगर तुमसे ये कहा जाए कि किसी मार्केट को बम से उड़ाना है तो कैसे उड़ाओगे? किसी को पता है? नहीं पता। मैं बताता हूँ, अगर किसी की मार्केट में बम रखना है, मानो हम कपड़े के व्यापारी और कपड़ा मार्केट में हमें बम रखना है तो हमें कपड़े का व्यापारी बनना पड़ेगा और कपड़े खरीद के उसमें बम रखना पड़ेगा और कपड़े के व्यापारी बनकर आप दुकान पर जाओ और पैसे की चिंता मत करो, वो हमारी गवर्नमेंट। सबसे पहले कपड़ा लो, कपड़े के व्यापारी बनो, कपड़े के थान में बम रख कर उसे बांधो और किसी कपड़े की दुकान पर जाके उसे वहां रख कर वहां से चुपचाप सरक के आ जाओ। बोलो इस काम को कौन करेगा? हम करेंगे। गुड। अब ये बताओ बख्तावर खान कि अगर हम कहते हैं सब्जी मंडी को उड़ाना तो कैसे उड़ाओगे? सर हमें व्यापारी बनना पड़ेगा सब्जी का और सब्जी मंडी में जाके सब्जी के टोकरे में छुपा के बम रखना पड़ेगा। ठीक है, इस काम को तुम करोगे, सब्जी मंडी में बम तुम रखोगे। जाओ और सुनो, कपड़े की मार्केट को तुम उड़ाओगे। जाओ। तुम क्या करोगे शिव चिल्ली? तुम कौन सा फार्मूला अपनाओगे? अपना काम करो, जब मेरी समझ में आया मैं करूंगा कि खाक। ठीक है, तुम लोग चलो कैंप में। बख्तावर खान, इन लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है। और सुनो बख्तावर खान, इन शेख चिल्ली को स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है, इनको लेके जाओ। नहीं मानू।